अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गर्मियों में बदहज़मी का मसला तकरीबन सबको ही रहता है। साथ ही अगर आपका जी बहुत ज़्यादा मतलाता है, उल्टी की कैफियत रहती है, खाना सही से हजम ना होने की वजह से खट्टी डिकारें आती हैं और पेट में गैस का प्रॉब्लम है, तो आज आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव और 100% कारगर नुस्खा शेयर करूँगा। इसको इस्तेमाल करने के 2 मिनट बाद ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, बदहज़मी के मसले को जल्दी ठीक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बदहज़मी तूल पकड़ जाए तो जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी, डिहाइड्रेशन, सर दर्द, यहाँ तक के चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये आसान सी रेमेडी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका मैदा टनाटन काम करेगा और आपको कभी भी बदहज़मी नहीं होगी। इस रेमेडी के लिए हम लेंगे काली मिर्च। नाज़रीन, काली मिर्च बॉडी के इंटरनल इश्यू को सॉल्व करने के लिए बेहद मुफीद है। इसके साथ दूसरी चीज हम लेंगे काला नमक। नाज़रीन, काला नमक बदहज़मी, जी मतलाने, उल्टी की कैफियत को खत्म करने और गैस के रोग को दूर करने के लिए बेहद मुफीद है। तो आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक खास मिकदार से मिलाकर एक दूसरी चीज के साथ इस्तेमाल करना है और वो है लेमन। अगर आप गर्मियों में सफर पर जाते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक के लिए ट्रेवल करते हैं, तो मेरी एडवाइस है कि इस रेमेडी को बनाकर अपने साथ जरूर रखें। सफर के दौरान कहीं भी खाने की वजह से या फिर पानी की तब्दीली की वजह से खाना हजम नहीं होता, बस 2 चुटकी इस्तेमाल करने की देर है। इसके साथ अगर सफर में जी मतलाता है तो भी ये बेहद मुफीद रेमेडी है। तो आपने करना क्या है, एक नींबू को काट लें। कोशिश करें कि इस रेमेडी के लिए बड़े साइज का नींबू लें, तो एक टाइम के लिए हमें आधा नींबू ही दरकार होगा। आप 1 चुटकी काली मिर्च आधे नींबू पर डाल लें, इस पर 1 चुटकी काला नमक डालें। इसी तरह दोबारा 1 चुटकी काली मिर्च और फिर 1 चुटकी काला नमक शामिल कर लें। 2 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी ही काला नमक मिलाने के बाद टूथपिक के जरिए इनको नींबू के अंदर तक कुछ इस तरह मिक्स करें। जब काली मिर्च और नमक नींबू के अंदर तक चला जाए तो फिर ही इसको इस्तेमाल करें। जैसे ही बदहज़मी का मसला हो, जी मतलाने लगे या फिर उल्टी की कैफियत हो, तो इस नींबू को आहिस्ता आहिस्ता जुबान के जरिए चूस लें। एक साथ नींबू को नहीं चूसना, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही इनटेक करें। हमारे बुजुर्गों को जब भी बदहज़मी, जी मतलाने, पेट में गैस और उल्टी का मसला बनता था, तो वो ये रेमेडी ही इस्तेमाल करते थे। तो आप भी इस रेमेडी को घर में बनाकर रख लें, बार वक्ते जरूरत इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फौरी शिफा मिलेगी। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।